के जदीद दौर में जहाँ ज़राए अबलाग का एक तूफान मचा हुआ है, किसी भी ताकतवर और बाख्तियार औरत का नज़रअंदाज किए जाना नामुमकिन है। तारीख के सफात में अगर झांका जाए तो ऐसी ख्वातीन की तादाद बहुत कम है जिन्हें उनके ताकतवर होने की बुनियाद पर तारीख ने याद रखा। सल्तनत उस्मानिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाख्तियार खातून हुक्मरान होने का एजाज कोसम सुल्तान को हासिल है। कोसम सुल्तान एक ऐसी औरत का नाम है जिसे सुल्तान अहमद की बेवा बनकर बकिया ज़िंदगी गुजारना हरगिज़ कबूल न था। उन्होंने तकरीबन 30 साल तक सल्तनत उस्मानिया पर बाकायदा हुक्मरानी की। कोसम सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के वाहिद खातून थीं जिन्होंने 6 सुल्तानों के अदवार देखे, जबकि अपने 2 बेटों और 1 पोते के दौर में बतौर नायब सल्तनत हुक्मरानी करती रहीं। उन्होंने बतौर नायब सल्तनत लोगों के दिलों में घर कर लिया और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उनका सल्तनत के अमूर में इतना ज़्यादा असर था कि उनकी वफात के बाद ये फैसला किया गया कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि आइंदा किसी औरत को भी सल्तनत के अमूर में दखल अंदाजी से दूर रखा जा सके। कोसम का पैदाशी नाम अनास्तासिया था और वो 1599 में जजीरा ट्यूनिस में पैदा हुई। वो जब हरम सुल्तानी में बतौर ग़ुलाम आई तो उस वक्त इनकी उम्र महज 15 साल थी। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उनका नाम माहे पैकर रखा गया जिसका मानी है चांद की शबीह वाली। बाद अजां सुल्तान अहमद अव्वल की जानब से उन्हें कोसम सुल्तान का खिताब तफवीज़ किया गया। तो काफी महल जो उस वक्त हरम की साजिशों का गढ़ बना हुआ था में जिंदगी गुजारना खतरे से खाली ना था। सुल्तान अहमद को किसी ऐसे की तलाश थी जिस पर वो एतमाद कर सके और जिससे वो दिल की बात कर सकें। कोसम सुल्तान की खूबसूरती और जहानत ने सुल्तान अहमद को बहुत जल्द अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया और वह थोड़े अरसे में ही हरम की सरबराह बन गई। कोसम सुल्तान ने सुल्तान अहमद को अपने वतन से 3 बेटियां और 5 बेटे दिए। जिस वक्त सुल्तान अहमद ने इंतकाल किया तो उस वक्त कोसम सुल्तान की उम्र सिर्फ 28 बरस थी। सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद कोसम सुल्तान ने खुद को एक सियासी इंतशार के दरमियान पाया। अपने बेटों को बचाने के लिए कोसम सुल्तान ने अपने सौतेले बेटे के बजाय सुल्तान अहमद अव्वल के भाई की ताजपोशी करने में मावनत की। अपने शोहर की वफात के बाद कोसम सुल्तान को पुराने महल भेज दिया गया और वो वहाँ अगले 6 साल तक रहीं। 1623 में जब सुल्तान उस्मान सानी को बागी फौजों ने कत्ल कर दिया तो कोसम सुल्तान की तोप कापी में वापसी हुई। उनके बड़े बेटे मुराद को सुल्तान बनाया गया। उस वक्त मुराद की उम्र बहुत कम थी, इसलिए कोसम सुल्तान बतौर नायब और वालदे सुल्तान सल्तनत की अमूर चलाती रहीं। बतौर नायब सल्तनत अगले 10 साल उन्होंने सल्तनत की भाग दौड़ अपने हाथ में लिए रखी। इस दौरे हुकूमत में इनको बहुत सी बगावतों का सामना रहा, लेकिन इन्होंने बहुत महारत से इनको कुचला। 1632 में जब सुल्तान मुराद चहारम तख्त संभालने के काबिल हुए तो उन्होंने कोसम सुल्तान से ना सिर्फ नायब सल्तनत बल्कि हरम के अख्तियारात भी वापस ले लिए ताकि वो खुलकर हुकूमत कर सकें। 1635 में कोसम सुल्तान ने सुल्तान मुराद को अपने भाई इब्राहिम को एक गलती की वजह से कत्ल करने से मना किया। इस तरह कोसम सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के खात्मे को रोक दिया, क्योंकि 1640 में जब सुल्तान मुराद चहारम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सिर्फ शहजादा इब्राहिम ही जिंदा थे जो सल्तनत उस्मानिया के अगले सुल्तान बने। सुल्तान इब्राहिम की सल्तनत के अमूर में बिल्कुल दिलचस्पी न थी, इसलिए अगले 8 साल भी ताकत का सरचश्मा कोसम सुल्तान ही रहीं। इसके अलावा उस वक्त के वजीर आजम मुस्तफ़ा पाशा, जिनका काफ़ी मामलात में कोसम सुल्तान से इख्तलाफ था, वो सुल्तान इब्राहिम की अदम दिलचस्पी की वजह से सल्तनत के अमूर को बहुत उमदगी से चलाते रहे। बिलाखिर सुल्तान इब्राहिम ने अपनी एक कनीज की बातों में आकर कोसम सुल्तान को पुराने महल भेज दिया और वजीर आजम मुस्तफ़ा पाशा को 1644 में कत्ल करवा दिया। इन दोनों की गैर मौजूदगी में सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। चुनाचे 8 अगस्त
1648 को सुल्तान इब्राहिम को तख्त से हटाकर कैद कर लिया गया और उनकी जगह इनके 7 साल बेटे मोहम्मद चहारम की ताजपोशी कर दी गई। तोरहान जो कि अब वालिदा सुल्तान थी को सल्तनत के अमूर का इतना इल्म न था, इसलिए कोसम सुल्तान दोबारा बतौर नायब सल्तनत को चलाने के लिए तोपकापी महल आ गईं। 18 अगस्त 1648 को इब्राहिम को फांसी दे दी गई। कोसम सुल्तान की अवाम, फौज और वजरा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ताहम कोसम सुल्तान के दौर में शाही खजाने को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तोरहान कोसम सुल्तान की सियासी हरीफ बनकर सामने आई। तोरहान कोसम सुल्तान की ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि वो कोसम सुल्तान को सुल्तान इब्राहिम का कातिल समझती थी, इसलिए उसने कोसम सुल्तान के खिलाफ साजिशें बुनना शुरू कर दी। दूसरी तरफ कोसम सुल्तान और फौजियों ने मिलकर ये फैसला किया कि सुल्तान मोहम्मद चहारम को माजूर करके सुल्तान इब्राहिम के दूसरे बेटे शहजादा सुलेमान को सुल्तान बनाया जाए जो कि एक दूसरे के नीज दिलासिब के वतन से थे। तोरहान को इस मंसूबे का पता चल गया तो उसने 2 सितंबर 1651 को कोसम सुल्तान को कत्ल करवा दिया। कोसम सुल्तान को अपने शोहर सुल्तान अहमद के पहलू में दफन किया गया। अवाम को आपकी मौत का बहुत दुख हुआ और 3 दिन के लिए इस्तांबुल के बाजार इस शोक में बंद रहे। कोसम सुल्तान अपने फलाही कामों की वजह से अवाम में बहुत मशहूर थी। उन्होंने एक मस्जिद तामीर करवाई। मिस्र में आपाशी के निज़ाम की दुरुस्ती के लिए शाही खजाने के मुंह खोल दिए। वह गरीबों का बहुत ख्याल किया करती और उनकी मदद में पेश पेश रहती। आपको तारीख में वालदा मुआज़मा, वालदा मकतूला और शहीद वालदा के नामों से याद रखा जाता है।